लगे सर आज के रॉक के मेन इवेंट के बाद अपना पुराना शो ऑफ डॉल्फ ज़िगलर एक बार फिर से वापस आ चुका है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का मंडे नाइट रॉक का शो हो चुका है खत्म और आज के रॉक के मेन इवेंट के अंदर लगा ऐसा कि पुराना वाला शो ऑफ डॉल्फ ज़िगलर आ चुका है एक बार फिर से वापस, क्योंकि ज़िगलर का हो चुका है फेस 10। वो आते अटैक करते थ्योरी के ऊपर और थ्योरी को कॉस्ट करते उनका मैच। साथ ही में शो के ऊपर होते हमारे काउबॉय ब्रॉक लेसनर, शो पर होते और भी काफी सारे मैच। शो का मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस भी करते कम्पीट। तो क्या कुछ आज के पूरे रॉक एडिशन के अंदर उसके बारे में बात करने वाले हैं और आठ रूथ भी आज रेफरी के लिए थोड़ी बहुत अपनी झाड़ते हुए नजर आते हैं और दिखाते अपने रेफरी वाला सर्टिफिकेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शो की ओपनिंग होती हुई नजर आती है हमारे काउबॉय ब्रॉक लेसनर के साथ में। लेसनर आते रिंग के बीचों बीच में और जो क्राउड उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन और एक मैसिव पॉप देता हुआ नजर आता है। यहाँ पर जो लेसनर है बार बार क्राउड को थैंक यू करते हैं, अपने जो हेड है उसे बाउ डाउन करते हुए नजर आते हैं। फिर वो रिंग में आते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पूरे सेगमेंट की गॉड ब्लेस टेक्सास के साथ में और बताते हैं फिर टेक्सास जैसी जगह के लिए ये जो हैट आज एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पर रखे जाने वाले हैं। फिर यहाँ पर जो लेसनर है बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में और उनके स्मैकडाउन के प्रोमो के बारे में। कहते हैं यार मैंने सुना रोमन रेंज की जिंदगी काफी अच्छी चल रही है, वो आराम से प्राइवेट जेट के अंदर घूम रहे, वो राजा महाराजा की तरह खाने में लगा हुआ है। लेकिन लेसनर के हिसाब से वो और कोई नहीं बल्कि वो पिग की तरह है और एक्चुअल में जो रोमन रेंज है सिर्फ पिग्स का ही शिकार कर सकता है और रोमन की वजह से ताकत वगैरह नहीं है। लेकिन जो ब्रॉक लेसनर है वो एक ऐसा फार्मर है जो कि हर दिन वैसे पिग्स का शिकार करता है जो कि रोमन रेंज की तरह होते हैं, जिसे वो ट्राइबल हॉक के यहाँ पे कह लो ट्राइबल पिक तरीके से कहते हैं। साथ ही बताते हैं ऐसे पिक को वो किसी न किसी कंट्री में पहुंचा ही देते हैं। जब लेसनर यहाँ पर लगातार बेइज्जती करते होते हमारे ट्राइबल चीफ की, वहां से एंट्री हो जाती है पॉल हेमन की। पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन आते हुए नजर आते हैं और जैसे यहाँ पर पॉल हेमन आते हैं उनके बोलने से कुछ पहले क्राउड यू सक के चांट्स लगातार स्टार्ट करता हुआ नजर आता है। पॉल हेमन बार बार ट्राई बोले बोलने का ट्राई करते हैं लेकिन बार बार जो क्राउड यू सक के मैसिव चांट करता है। पॉल हेमन दिमाग क्या लगाते हैं, माइक लेते कहते हैं चलो ठीक है मेरे और लेसनर के बीच में जो भी डिफरेंस है वो अलग बात है, लेकिन मैं ये बात 100% कह सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर सक तो नहीं करता है। तो तुम लोग यूज़ सके चैन ब्रॉक लेसनर के लिए मत करो। लेसनर यहाँ पर हंसते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पर पॉल हेमन याद कराते हैं सभी को रेसलमेनिया स्टूपेंडियस के बारे में, जहाँ पर हमने एक मोस्ट बारबेरिक स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर नहीं तरह का मैच देखा था और अब हम लोग बढ़ रहे हैं मोस्ट बारबेरिक समर स्लैम ऑफ ऑल टाइम की तरफ और वो जानते हैं कि लेसनर किस तरीके से केपेबल है। अब यहाँ पर पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि मान लो अगर उन्हें सट्टाबाजी करने थे, बेटिंग आउट करने थे किसी एक बंदे के ऊपर ब्रॉक या फिर रोमन पे, तो जाते ब्रॉक लेसनर के साथ में। वो जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर के पास तो ताकत है कि वो रोमन रेंज को हरा सकते हैं। रोमन रेंज ने जरूर लेसनर को हराया काफी बार, लेकिन लेसनर को उन्होंने हराया अपने एथलेटिक कॉम्पिटिशन में रोमन रेंज काफी आगे ब्रॉक लेसनर से। उसमें भी हम देखते हैं कि बैक स्टेज के ऊपर देखते हैं मॉनिटर के ऊपर पॉल हेमन क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हेमन ये याद कराते सभी को कि लेसनर के साथ वो काफी साल तक रहे और लेसनर को इतना तो जानते हैं कि लेसनर ये परवाह नहीं करता सामने वाले की ऐसी तैसी कितनी ज्यादा हो रही है। एथलेटिक कॉम्पिटिशन में जरूर रोमन ने हरा दिया, लेकिन अगर बात है ब्रुटैलिटी के बारे में इन सभी में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज से आगे। इवन लेसनर यहाँ पर ये केयर नहीं करते कि रोमन रेंज को हॉस्पिटल भेजेंगे, वो उन्हें सीधे ही कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। लेसनर एक ऐसा इंसान जिसे परवाह नहीं कि सामने वाले को हो क्या रहा है, एक्चुअल में वो इंसान ही नहीं है, वो एक बीस्ट है। ब्रॉक लेसनर अपनी तारीफ सुनकर हमें हंसते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन पॉल हेमन आखिर में एक वार्निंग देते लेसनर को कि यानी कि उनके ट्राइबल चीफ हमारे रोमन रेंज जो है धीरे धीरे करके 700 डेज अप्रोच करने वाले हैं चैंपियन। यहाँ पर जो पॉल हेमन है ये भी बात कंफर्म करते हैं कि भाई एक स्ट्रीक तो लेसनर तोड़ चुके हैं, लेकिन ये बात की श्योरिटी है कि लेसनर इस 700 दिन की स्ट्रीक को नहीं तोड़ने वाले हैं। लेसनर इस स्ट्रीक के बीच में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे लेसनर है वो भी माइक लेते हैं, कहते तू भी पिक्स की तरह सिर्फ उल्टा सीधा बोलता रहेगा, अजीब अजीब आवाजें निकालता रहेगा या फिर एक्चुअल में कुछ लिजिट बोलने भी वाला है। अब यहाँ पर जैसे लेसनर एक बार फिर से कुछ कहने चलते हैं वहां से थ्योरी की एंट्री हो जाती है। थ्योरी आते भैया स्लो मोशन में अपना MITB ब्रीफकेस लेके, पॉल हेमन भी हैरान होते करने के आए यहाँ पे। अब थ्योरी बताते हैं इस साल का जो समर स्लैम है वो काफी ग्रेट नाइट होने वाली है, ये वही नाइट होगी जिस दिन वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बनने वाले हैं। उसके बाद जाएंगे बैक स्टेज के ऊपर, आराम से टीवी के ऊपर बैठे देखेंगे मेन इवेंट वाला शो और जो जीतने वाला उस वाले मैच के अंदर उस पर जाके जो थ्योरी है जब भी उन्हें ऐसा लगेगा उन्हें कैश इन करना चाहिए वो कैश इन करेंगे और वो कैश इन दौड़ कर नहीं करने वाले हैं, आराम से आएंगे मटक मटक के चाल करते हुए अपना MITB ब्रीफकेस ऊपर करके आएंगे या फिर लेसनर या फिर रोमन के चेस्ट के ऊपर अपनी लात रखने वाले हैं। 1, 2 and 3 हो जाएगा और अनाउंसमेंट होगी लेडीज एंड जेंटलमैन आपका यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुका है जिसका नाम है थ्योरी। अब यहाँ पर याद कराते थ्योरी किस तरीके से ये भी नहीं भूलेंगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कितनी बुरी हालत लेसनर ने उनकी की थी। फिर लेसनर यहाँ पर हंसते हुए नजर आते हैं, कहते अच्छा चल मैं तेरे को इन्वाइट करता हूँ क्यों ना तू ऐसा कर सीधा रिंग के अंदर आ जा। अब थ्योरी इस वाली चीज को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं और दिखाते किस तरीके से लेसनर ने उन्हें F5 हिट किया था एलिमिनेशन चेंबर के ऊपर पॉट से और वो ये बात याद कराना चाहते हैं कि रोमन रेंज भी कुछ इस तरीके से होंगे समर स्लैम के अंदर, सिर्फ एक ऐसा इंसान जो कि बिना अपने शरीर की जान के पड़ा हुआ रिंग के बीचों बीच में और लेसनर वहां पर जीत जाएगा। अचानक से अल्फा कैट भी आती हुई नजर आती है पीछे। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर कहते हैं मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जब भी लेसनर किसी टाउन में जाता है सभी के सभी कॉकरोच बाहर कैसे आ जाते हैं। अब ओटिस आते हैं
के अंदर ओटिस चार्ट गेबल उनके ऊपर अटैक करने चलते हैं। पहले ओटिस सामने खड़े होते हैं, चार्ट गेबल पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन भाई कुछ होता नहीं है लेजनर को। लेजनर इवन गिरते भी नहीं ओटिस के एक स्प्लैश वगैरह के साथ में, फिर लेजनर की अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन होती है। रिंग के अंदर रिंग के बाहर सबकी ऐसी तैसी करते हैं, ओटिस को उठाते हैं, F5 दे देते हैं अनाउंसर्स टेबल के ऊपर, और लेजनर का गुस्सा हम लोग देते शो की इस वाले पूरे सेगमेंट की एंडिंग के अंदर। और ब्रॉक लेजनर तगड़े वे में हमें यहाँ पर मैसिव पॉप लेते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर फिन बैलर आते हुए नजर आते, जजमेंट डे आते हुए नजर आते डीमेन के साथ में। वो पहले यहाँ पर डोमिनिक को याद कराते हैं, उनका पापा कोई काम करनी है, उनका पापा ना एक अच्छा लीडर बन सकता है ना एक अच्छा फादर बन सकता है। फिर रेमे स्टीरो वर्सेस फिन बैलर के बीच में मैच होता है, इस वाले मैच के अंदर बैलर की विक्ट्री हो जाती है। और वो याद दिलाते डोमिनिक को, भाई देख तेरा पापा नीचे पड़ा हुआ है और जजमेंट डे ऊपर खड़े होकर यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर रही है। इसके बाद शो के ऊपर हम लोग देखते हैं एक मैच होता है जो कि रॉ वुमेन्स टाइटल का मैच होता है, और यहाँ पर कार्मेला और बियांका बेलेयर का आमना सामना होता है। मैच शुरू होने से पहले एंट्री होती है बिग टाइम बैक्स द मैन बैकी लेंच की। बैकी लेंच बताती है वो डिजर्व करती है यहाँ पर चैंपियन होना। वो पहले मनी इन द बैंक के बारे में बात करती है, वहां पर उन्होंने बड़ी यू नो जंत जहद करके पहुंचे, लेकिन वहां पर MITB जीत नहीं पाए। वैसे MITB उन्हें जीतना भी नहीं था क्योंकि लॉटरी की तरह है, लेकिन बैकी चाहती थी क्योंकि लॉटरी लग जाए, जो कि लग नहीं पाए। फिर ये मैच होता है, इस मैच के एंडिंग के अंदर होता है जो बैकी लेंच है वो अपनी डिस्ट्रैक्शन करती हुई नजर आती है। बियांका बेलेयर कार्मेला को तो रिंग के अंदर फेंक देती है, लेकिन जैसे 7-8-9 काउंट होता है यहाँ पर बैकी लेंच आते डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे बियांका बेलेयर काउंट आउट हो जाती है और कार्मेला काउंट आउट से बियांका बेलेयर को हरा देती है। इसके बाद बियांका काफी गुस्से में होती है, कार्मेला को लगता है ऐसे भैया वो टाइटल जीत चुकी है, वो टाइटल के साथ सेलिब्रेट करती है, लेकिन आखिर में KOD पड़ता है और शांति से कार्मेला रिंग के बीचों बीच में पड़ी हुई नजर आती है। फिर शो पर हमारे मेज और सैंपा भी आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर मेज और सैंपा दोनों अपने मिस टीवी के गेस्ट के ऊपर आते हैं और यहाँ पर बातचीत करते हैं किस तरीके से सैंपा काफी ताकतवर है, दोनों को एक साथ मिल जाना चाहिए। मेज एक धमकी देते हैं लोगन पॉल को, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वहां से एजे स्टाइल्स की एंट्री होती है, एजे स्टाइल्स कहते हैं क्या तुम लोगों ने अपनी बकबक बंद कर ली, क्योंकि मैं तुम दोनों की ऐसी तैसी करने वाला हूं। एजे स्टाइल्स काफी गुस्से में रिंग के अंदर आते हैं और मेज और सैंपा दोनों को खदेड़ते हुए नजर आते हैं। एक तरह का हैंडीकैप एक्शन यहाँ पर स्टार्ट होने ही चलता है, उससे पहले इजी क्यों आते हुए नजर आते हैं। इजी क्यों पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाते कि भाई वो अलास की यंगर ब्रदर है, अलास ने काफी बार बात की एजे स्टाइल कितने ज्यादा फिनोमिनल है, तो क्या आज वो एक टैग टीम में आ सके इजी क्यों के साथ में। एजे स्टाइल अग्री होते हुए नजर आते, फिर एक टैग टीम एक्शन होता है जहां पर इजी क्यों एंड एजे स्टाइल का आमना सामना होता है सैंपा और मेज के साथ में। अब इस वाले मैच के एंडिंग के अंदर वैसे जीत तो होने चलती है हमारे एजे स्टाइल की, वो कैल्फ क्रशर कनेक्ट करते हैं मेज को, लेकिन उसके बाद होता है वहां से आते हैं सैंपा, लगातार अटैक करते हैं, रेफरी डिस्क्वालीफाई होने करता है और एजे स्टाइल इजी क्यों की डिस्क्वालिफिकेशन से विक्ट्री हो जाती है। लेकिन उसके बाद एजे स्टाइल सैंपा की कुटाई करते हैं और मेज हमें यहाँ से 9-2-11 होते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर मैच होता है जहां पर डू ड्रॉप हमारे टैग टीम में आती हुई नजर आती है। डू ड्रॉप और निकी याश फेस करती है अलेक्सा ब्लिस एंड आस्का का, अच्छा खासा मैच होता है और मैच में अलेक्सा ब्लिस और आस्का की विक्ट्री हो जाती है। फिर शो पर आते हुए नजर आते हैं डिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन यानी कि हमारे उसोस आते हैं रिंग में, वहां से स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आते हैं, दोनों बात करते हैं उनके समर स्लैम मैच के बारे में और किस तरीके से अब उस वाले मैच के अंदर हमें एक स्पेशल गेस्ट रेफरी भी दिखाई देने वाला है। फिर वहां से आर्ट्रूथ की एंट्री होती है, आर्ट्रूथ आते पहले बताते हैं भाई वो काफी अच्छे हैं वकील वगैरह, तो आराम से इन दोनों के बीच में समझौता करवा सकते हैं, वो अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं। उसो लेते सर्टिफिकेट, कहते हैं चल ठीक है तुम्हारी फैमिली के साथ में अच्छे खासे रिलेशनशिप में, लेकिन आर्ट्रूथ यहाँ से ऐसी तैसी कर ले, हमें यहाँ पे बिजनेस हैंडल करना है, अगर तू रेफरी है तो बता। यहाँ पर आर्ट्रूथ फिर अपना रेफरी वाला सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि वो जाने माने WWE के रेफरी भी रह चुके, वो अपनी मर्चेंडाइज उतारते ऊपर वाली, तो अंदर रेफरी की टी शर्ट होती है। फिर वो रेफरी की तरह पिन वगैरह करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं यार मुझे बना लो अपने समर स्लैम मैच का रेफरी। यहाँ पर उसो काफी गुस्से में आते हैं, उल्टा सीधा बोलते भाई आर्ट्रूथ को, आर्ट्रूथ भड़क जाते हैं, रेफरी की शर्ट उतारते, कहते मैं तुम दोनों के साथ एक हैंडीकैप एक्शन में लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने टैग टीम पार्टनर्स के साथ में। उसके बाद वहां से ओमास की एंट्री हो जाती है, फिर यहाँ पर एक टैग टीम एक्शन शुरू हो जाता है जहां पर ओमास एंड उसोस फेस करते हैं आर्ट्रूथ एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का, अच्छा खासा मैच होता है, काफी बार यू नो बैक एंड फोर्थ एक्शन भी होता है, लेकिन आखिरी में एंजेलो डॉकिंस को बढ़ता है ओमास का एक लंबा चौड़ा फिनिश है, 1-2-3 होता है एंड ओमास एंड उसोस की इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद होता है शो का मेन इवेंट जहां पर होता है इस बार एक टैग टीम एक्शन, US चैंपियन बॉबी लैशली और रिडल आते एक साथ में, सेथ रॉलिंस और थ्योरी का करते हैं आमना सामना। मैच में काफी बार ऐसा मोमेंट आता है लगा भैया मैच खत्म हो ही जाएगा, लेकिन ये मैच काफी लंबा चौड़ा जाता है। अच्छा मैच में एक ऐसा पॉइंट आता है जब बॉबी लैशली सेथ रॉलिंस की कुटाई करते होते हैं और सडनली कमर्शियल ब्रेक से पहले जिगलर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जिगलर एक सूट बूट एकदम क्लीन शेव होकर आते हैं, बैठ जाता है रिंग साइड के ऊपर। अब मुझे लगा पता नहीं भाई यहाँ पर करने क्या है, लेकिन मैच एंड में यू नो काफी अच्छा खासा जाता है और आखिरी में होता है जो थ्योरी है एक रोल अप करने का ट्राई करते हैं रिडल के ऊपर और रस्सियों के सहारे से, लेकिन जो जिगलर यहाँ पर अपना फेस टर्न दिखाते हैं और वो हमारे थ्योरी का जो पैर हटाते हुए नजर आते हैं रस्सियों के ऊपर से। यहाँ पर थ्योरी सोचते हैं भैया एक्चुअल में हुआ क्या, लेकिन आखिरी में जो एक रिडल ने अपने आर्क्यू कनेक्ट करते हैं 1-2-3 हो जाता है और विक्ट्री हो जाती है बॉबी लैशली एंड रिडल की। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई बॉबी लैशली रिडल आराम सेलिब्रेट करते हैं और सेथ रॉलिंस रिंग साइड के ऊपर पड़े होते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्हें एक बैरिकेड स्पीयर पड़ चुका होता है। इसके बाद जिगलर खड़े होते हैं आते रिंग के बीचों बीच में, थ्योरी खड़े होते हैं, बूम उनके मुंह पर एक सुपर किक पड़ती है और कुछ इस वे में शो हमें एंड होता हुआ नजर आता है। अब सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में
डब्ल्यू ने क्या किया, लेकिन जिगलर को मेन इवेंट में एक बार फिर से देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छी चीजें लगी कि फाइनली जो जिगलर है पुराने वाले वापस आ चुके हैं और उम्मीद ये करूंगा डब्ल्यू डब्ल्यू उन्हें मेन इवेंट जिगलर की तरह बुक करती हुई नजर आएगी। काफी मैं एक्साइटेड हूं डब्ल्यू डब्ल्यू इन फ्यूचर किस तरीके से पूरा डेवलप वगैरह करती हुई नजर आती है। लेकिन आपका क्या रिएक्शन है जब जिगलर एक बार फिर से रॉ के मेन इवेंट्स के अंदर वापस आ चुके हैं? आई गेस मैं ये कह सकता हूं द शो ऑफ इज बैक। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है पता ना क्या करना, फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।